दोस्तों आज आपके लिए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की दृष्टि से 7 टिप्स ऐसे लेकर आया हूं दोस्तों, जिससे यदि आप वो 7 टिप्स याद कर लेते हैं और उन्हीं 7 टिप्स के अनुसार तैयारी करोगे तो दोस्तों 101% मैं दावा कर रहा हूं कि आपका एग्जाम क्वालिफाइड हो जाएगा, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको आपका सच में एग्जाम क्रैक करना है, आपको सच में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पास करना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इन 7 टिप्स को फॉलो कीजिएगा तो 101% फिर से बोल रहा हूँ कि दावा करता हूँ आपका एग्जाम क्वालिफाइड हो जाएगा। दोस्तों अब हम इसकी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो पहले तो हम ये चर्चा कर लें कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं और कितने सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आने हैं। दोस्तों सबसे मेन बात आपको बता दूं कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे और 25 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के यानी रीजनिंग के होंगे। दोस्तों रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 100 सवाल होंगे और ये आपको 90 मिनट में हल करना होंगे। ऐसे ही सभी सब क्वेश्चन का 4-4 ऑप्शन होंगे यानी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका, इसमें एक ऑब्जेक्ट पे आपको सही निशान लगाना होगा। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने क्वेश्चन की, अब हम आपको कुछ ऐसे सिंपल बिल्कुल टिप्स बताएंगे दोस्तों जिसके माध्यम से आप अपना एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों देखिएगा हम पहले टिप्स के बारे में आपको बात करेंगे कि इसमें स्पीड काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों यदि आप एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले तो आपकी स्पीड महत्वपूर्ण होती है कि आप स्पीड किस तरीके की है, आप किस स्पीड से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस स्पीड से आप एग्जाम में आंसर को देते हैं। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिए कि जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन यानी 50 सवाल होंगे, इसको 25 से 30 मिनट में आप हल करने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों यदि आपने 50 क्वेश्चन जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के यानी करेंट अफेयर्स के कर दिए तो मान के चलिए आपका 25 से 30 मिनट फिनिश हो गया और आपके पास आराम से 60 मिनट बचते हैं। दोस्तों अभी जो 60 मिनट बचते हैं इसमें आपको रीजनिंग के जो 50 सवाल हैं, मैथ्स और रीजनिंग के जो 50 सवाल हैं उसको आपको 60 से 65 मिनट में समय मिलेगा। दोस्तों यदि 60 मिनट का भी आपको समय मिल जाता है तो आपको ये 50 प्रश्न हल करने में आसानी होगी। दूसरी टिप्स की बात करेंगे दोस्तों, याद रखना कि मैथ्स और रीजनिंग के जो सभी सवाल 50 आपको सॉल्व करने की बजाय एक बात ध्यान रखें कि आपको जितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं आप उन्हीं को सॉल्व करें, उन्हीं के सही आंसर निकालें। आप इस प्रकार से मत उलझ जाना कि आपको सवाल बन नहीं रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं। कोशिश पेपर में कोशिश नहीं होती दोस्तों, कोशिश तब होती जब आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, यहाँ आपके पास टाइम कम है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन हल करना है सबसे पहले जिनको आपको सही सटीक आंसर आ रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सभी सवाल अटेम्प्ट करने लगे रहते हैं, सभी सवाल अटेम्प्ट करते हैं और उसमें से उनके 50% गलत हो जाते हैं और 50% सही हो जाते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि जो सवाल आपसे बने प्रॉपर उसी को आप हल करें। दोस्तों थर्ड ट्रिक बताएंगे कि जनरल नॉलेज में जो हिस्ट्री, राजनीति, खेल, शासन व्यवस्था, इकोनॉमिक्स के सवाल होंगे, दोस्तों जनरल साइंस में ज्योग्राफी और सामान्य विज्ञान से संबंधित ही सवाल होंगे। इसके लिए आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि किसी भी किताब को पढ़ने की ऐसी जरूरत नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप किताब ले ली उसको पढ़ते रहो, इसके लिए आपको थ्योरी की जरूरत है, आपको इससे रिलेटेड किताबों की जरूरत है। आप किताबों में जितनी थ्योरी पढ़ोगे, इससे संबंधित जितनी किताबें पढ़ोगे, आपको उतनी आसानी से जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, खेल से रिलेटेड और शासन व्यवस्था से रिलेटेड आपको क्वेश्चन याद रहेंगे। तो दोस्तों फोर्थ टिप्स की हम बात करेंगे तो करंट अफेयर्स के लिए रोजाना आप 2 से 3 अखबार पढ़ें। यदि आपके घर में अखबार नहीं आता है तो आप न्यूज़पेपर को लगा लीजिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ें। पत्रिकाएं मार्केट में मिल जाती हैं, वीकली पत्रिकाएं खरीद सकते हैं, वीकली पत्रिकाएं पढ़ें। मंथली पत्रिकाएं भी आप पढ़ सकते हैं तो मंथली पत्रिकाएं पढ़ें। दोस्तों देश विदेश की भी खेल समाचार भी पढ़ें, खेल समाचार भी आता है, खेल की पत्रिकाएं भी आती हैं तो उनको भी पढ़ें। और दोस्तों करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो 2018-17-16 का आप आसानी से पढ़ सकते हैं और 2017-18 में ध्यान रखिए कि मोदी जहां जहां जा रहे हैं उनसे रिलेटेड जरूर करंट अफेयर्स आप पढ़ लें। दोस्तों पांचवें नंबर की टिप्स के बारे में यदि हम आपको बताएंगे तो रीजनिंग और मैथ्स को आपको बिल्कुल 100% बता दूंगा, कभी कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि मैथ्स और रीजनिंग को रटा जा सकता है। दोस्तों ना तो मैथ्स को रटा जा सकता है ना रीजनिंग को। दोस्तों ये केवल ऐसे सब्जेक्ट है जिनको ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों इसमें टेक्निक की जरूरत होती है, यदि आप को बहुत सारी ऐसी टेक्निक और ट्रिक्स की जरूरत है तो आप टेक्निक और ट्रिक को आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन का साइन पर क्लिक कर ले जिससे बहुत सारे
ट्रिक मिलते रहेंगे। और आपको बता दूं कि बहुत सारे जानकार लोग जो आपके आसपास रहते होंगे, उन जानकार लोगों से आप ट्रिक सीख सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक सीख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात में सॉरी नेक्स्ट ट्रिप की बात करेंगे, जो हमारे छठवें नंबर की ट्रिक है, जो मैथ्स और रीजनिंग के सवालों को जल्दी से हल कर सकें, इसके लिए आप बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जरूरी है, इसलिए आज ही प्रैक्टिस सेट शुरू कर दें। दोस्तों ध्यान रखें कि यदि आप इस पेपर को और आसानी से क्रैक करना चाहते हैं तो पिछले सालों के जो पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, यानी करण के प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं, उन सभी प्रैक्टिस सेट को लेकर आप परीक्षा के अनुसार ही हल करें, जिससे आपको नए पैटर्न का भी पता चलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि हम कितने टाइम में इस पेपर को हल कर सकते हैं, आपको अपनी स्पीड भी पता चल जाएगी। तो दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं। लास्ट जो ट्रिक है दोस्तों, उसकी बात करेंगे कि पिछले सालों के जो पेपर मॉक टेस्ट बहुत सारे होते हैं, अधिक से अधिक हल करने का प्रयास करें, इनमें से केवल प्रैक्टिस ही नहीं होगी बल्कि किसी तरह के सवाल आते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, उसका पैटर्न भी पता चल जाएगा और आपको अपना नॉलेज भी बिल्डअप कर सकते हैं। दोस्तों तो आपको बता दूं ये 7 ट्रिक आप अपने पास ही मत रखिए, ये जो टिप्स से बता रहा हूं दोस्तों, इनको आप अपने दोस्तों तक व्हाट्सअप पर फेसबुक पर जहां आपका दिल करे वहां शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे ही ट्रिक और टिप्स की जरूरत है। तो दोस्तों आपको बता दूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जुड़े रहिए आप एएस मैथ्स एकेडमी के साथ।